नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इस 72 आवर्स में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है, उनका एक्शन क्या रहेगा, यूनिवर्स जी की गाइडेंस क्या होगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपकी पर्सन थ्री ऑफ वॉन्ड्स द हायरोफेंट द वर्ल्ड के कार्ड। आपके पर्सन को इंतजार है किसी चीज का, किसी डिसीजन लेने का। हो सकता है जिस भी चीज का डिसीजन ये लेंगे उनके पास उसके ऑप्शन और भी हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी रुका हुआ है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ये एक्शन तो लेंगे, डिसीजन तो लेंगे, लेकिन इंतजार के मूड में है 72 घंटे में। और ये गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में बड़ों की आशीर्वाद से वो काम शुरू करेंगे। हो सकता है ये विदेश जाने के बारे में सोच रहा है, ये बाहर जा सकता है, विदेश जॉब के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनके पास जॉब नहीं है, इस देश में भी है, लेकिन ये बाहर जाने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है रिश्ते में अनबन चल रही थी, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, इसके लिए ये बड़ों की मदद लेंगे, गुरु से अपनी गुरु से वो गुरु को शरण करेंगे। मतलब जैसे हम मनी मन भगवान को गुरु को शरण करते हैं, करके कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। और अपने लिए एक नए सर्कल के बारे में सोच रहा है, जो पुराना सर्कल चल रहा था उसको खत्म करके अपने लिए कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है ये विदेश जाए, घूमने फिरने जाए, या फिर जॉब के सिलसिले में जाए, या फिर अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोचे। जो भी करेंगे ये बारीकी से सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ के तभी ये डिसीजन लेगा ये बंदा या बंदी जो भी है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, आप लोगों का वक्त बदलने जा रहा है। द डेविल के कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। हो सकता है आप वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हो, बहुत दिनों से आप लोगों ने परेशानी देखी है, लेकिन क्या करें कुछ कारण से एक दूसरे के साथ आप बंधे हुए हो। लेकिन आपको लगेगा कि मैं जितना भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ मेरे सर पे उतना ही जिम्मेदारी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को अलग नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में किसी और की नज़र है, किसी और की प्रेजेंसी है, तो उसके कारण से आप लोगों की रिश्ते में वक्त खराब चल रहा था, परेशानी चल रही थी। तो इन 72 घंटे में आप अपने वक्त बदलने का भी इंतज़ार करोगे। कब आपका वक्त बदलेगा, कब आपकी परेशानी खत्म होगी, कब आप अपनी तरीके से रिश्ते को चला पाओगे, कब आपके रिश्ते में सही वक्त आएगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध के रखा है, लेकिन आप दोनों ही किसी ना किसी तरीके से एडिक्शन के कारण हो, प्यार के कारण हो, किसी भी कारण से आप इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। और आप इन 72 घंटे में आपकी यही कोशिश रहेगी कि कब आपका वक्त बदले, समय बदले और आपके हालात बदल जाए और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। इस तरह की फीलिंग्स आपकी 72 घंटे में रहेगी। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एक्शन रहेगा इन 72 घंटे में। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारा कम्युनिकेशन करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स,
थ्री ऑफ कप्स, ये आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा था बंदा, मैंने कहा कि इंतज़ार कर रहा है बड़ों की मदद से, गुरु की मदद से, ये जो टूटे फूटे जो सर्कल चल रहा था उसको ख़त्म करेंगे। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा। इनको लगेगा कि जो बोलना है, जो मैं नहीं बोल पा रहा था या बोल पा रही थी, उस बात को क्लियर किया जाए। ये एक्शन ज़रूर लेंगे और जो परेशानी चल रहा था उसके बारे में उनको क्लैरिटी भी मिलेगी। पहले उनके पास क्लैरिटी नहीं था क्या बोलना है क्या करना है, इसीलिए रुका हुआ था। हो सकता है रिश्ते में किसी और की प्रेजेंसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी उनको सच्चाई पता चल गया है, सही गलत का फर्क उनको मालूम हो गया है। तो अभी ये आपके साथ बात करेंगे और रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आप लोगों में रिकॉन्सलेशन हो, आप घूमने फिरने जाओ, पार्टी शार्टी करो, पार्टी दो पार्टी लो, इस तरह की एनर्जी आप लोगों में रहेगी। और आप लोग बहुत सारे बातें भी करोगे, जो भी बातें क्लियर नहीं थी वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को इन 72 घंटे के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा शांत रहिए, रिकॉन्सिलेशन होना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप जो पुराने दिन, जो पुराने रिश्ते, पुराने प्यार को जो आप वापस पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, काम होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे होगा। इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको नहीं मिल रहा था किसी और के वजह से वो जरूर मिलेगा। जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है। आप टॉरस हो तो क्या हुआ, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अर्कना के 2-3 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, जितना दिखाई दिया मैंने बता दिया। तो यूनिवर्स जी आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए, पेशेंस रखिए। जो आप चाहते हो, पुराने दिन पुराने रिश्ते वो अच्छे दिन वो आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो जैसा चल रहा है उससे आगे तो बढ़ेगा, वक्त तो बदलेगा, फिर भी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।